तो चलिए बात करते हैं ऑनर प्ले के बारे में। तो इस डिवाइस को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स फुल ऑन रिव्यू के साथ, और फिर एक वर्डिक्ट दूंगा कि क्या 20,000 रुपये में आप इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे बड़ा प्रो दोस्तों इस डिवाइस का है इसका प्रोसेसर। जी हाँ, सिर्फ 20,000 रुपये में आपको ऑनर प्ले में मिलता है हाई सिलिकॉन किरिन 970 का प्रोसेसर, और ये वही फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो हुआवे P20 Pro जैसे डिवाइसेस में देता है। तो जी हाँ दोस्तों, वो प्रोसेसर जो कि 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बना है आपको सिर्फ 20,000 रुपये में मिलता है, और इसी के साथ साथ इस डिवाइस के जो बेंचमार्क स्कोर्स हमने देखे हैं वो 2 लाख के आसपास हैं सिर्फ 4GB वर्जन वाले वेरियंट में। तो इसके साथ दोस्तों आप कोई भी गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। हाईएस्ट सेटिंग में हमने PUBG खेल रखा है, एसफॉल 9 खेल रखा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस डिवाइस में जो 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं हुआ फ़ोन, और उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस थी GPU टर्बो बूस्ट के साथ बहुत ही अच्छी रही। अब दोस्तों बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ, और ये भी इसका एक प्रो पॉइंट है, बिकॉज अगर आप कोई गेम खेल रहे हो या फिर अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो तभी अच्छा लगेगा अगर आपका डिस्प्ले बढ़िया हो, और यहाँ पे दोस्तों आपको नॉच के साथ डिस्प्ले मिलता है ऑफकोर्स, लेकिन वहाँ पे आपको जो कंट्रास्ट रेशियो है, जो ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, बट फिर भी एक LCD डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ब्लैक लेवल्स मिलते हैं जिससे जो और दूसरे कलर होते हैं वो खिल के आते हैं। तो ऐसे में आप इस फ़ोन पे चाहे गेमिंग कर लो या फिर इसका जो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, अगर आप यहाँ पे YouTube वीडियोस देख रहे हो, Netflix पे मूवीज देख रहे हो, तो आपको ये फुल ऑन जो व्यूइंग एंगल से दोस्तों वो भी बहुत ही एक्यूरेट है। तो ऐसे में डिस्प्ले के लिए भी मैं इस डिवाइस को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, और एक कंप्लीट मल्टीमीडिया पैकेज आप इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन भी दोस्तों यहाँ पे मैं एक प्लस पॉइंट ही बोलूंगा, बिकॉज सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे लगभग 3750 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो इसका फॉर्म फैक्टर है बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब आपको एंटीना लाइन टॉप एंड बॉटम में मिलते हैं, तो बहुत ही कुछ कमाल का यहाँ पे आपको डिज़ाइन नहीं मिल रहा है, बट अगर आप लुक एंड फील के बारे में देखो, क्योंकि आप इस फ़ोन पे जब आप मूवीज़ देखते हो, गेम्स खेलते हो या फिर जो डेली यूसेज के लिए अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो इसका जो लुक एंड फील है हाथों में बहुत अच्छा है। उसके बाद इसके जो एजेस हैं वो चुभते नहीं हैं। जी हाँ, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा था, यहाँ पे इसके साथ एक कवर भी मिलता है, तो अगर आप उस कवर के साथ भी यूज़ कर रहे हैं तभी भी आपको जो इसमें ग्रिप मिलती है वो बहुत अच्छी है। ऑफकोर्स बिना जो कवर है उसके साथ ही थोड़ा स्लिपरी है, और यहाँ पे लेकिन फिंगरप्रिंट जो आपको जैसे आजकल बहुत सारे डिवाइसेज में ग्लास बैक में मिलता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 20,000 रुपये में ये फ़ोन आपको टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट, उसके साथ एक 3.5 mm ऑडियो जैक, और फिर एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देता है जहाँ पे आप microSD कार्ड लगा सकते हैं। अब मैं कुछ Mi A2 कंपेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब अगले एडवांटेज की तरफ अगर बढ़ें इस फ़ोन के, तो वहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसकी बैटरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस डिवाइस में आपको 3750 mAh की बैटरी मिलती है, और जिसके साथ आपको GPU टर्बो बूस्ट है दोस्तों वो मिलता है। तो GPU टर्बो बूस्ट, जैसा कि मैं इसको पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, अब ये बैकग्राउंड में अपने आप काम करता है, इसको कोई ऑन ऑफ करने का तरीका नहीं है अगर आप गेम खेल रहे हो, आपके जो डेली यूसेज में होता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों कम से कम मैं हेवी यूसेज में था तो मेरे को 1.5 दिन की बैटरी आराम से मिल रही थी, 1 दिन के बाद भी यहाँ पे 30% बैटरी मेरे लिए बच जाती थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस डिवाइस में आपको बिल्ट इन इनसाइड द बॉक्स, अगेन इनसाइड द बॉक्स आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है, जिससे इसकी जो बैटरी है, अब डैश चार्ज से मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्विक चार्ज 3.0 जैसी स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों प्रो पॉइंट के बारे में बात कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक अपने आप में रिव्यू भी है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस फोन पे जैसे मैं वोडाफोन के साथ यूज़ किया हूँ, एयरटेल के साथ यूज़ किया हूँ, तो वोल्टी नेटवर्क के पकड़ लेता हूँ नेटवर्क्स का, उसके साथ बात करने में आपको जो सिग्नल रिसेप्शन मिलता है इसके कॉल का, वाईफाई ब्लूटूथ का, वो भी ऑन पार है, और उसमें भी मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें इस डिवाइस के कॉन्स के बारे में, तो कॉन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोज फॉर द प्राइस होते हैं एंड कॉन्स भी फॉर द प्राइस होते हैं। अब 15,000 से 20,000 रुपए के फ़ोन के लिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता कि इस फ़ोन में वाटरप्रूफ सपोर्ट नहीं है या फिर इसमें डुअल कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है, बिकॉज कॉन्स हमेशा फॉर द प्राइस होते हैं। बट फिर भी अगर यहाँ पे मैं अगर आपको कॉन बताऊँ, तो मैं इसके कैमरे में आपको थोड़ी सी जो
कॉस्ट कटिंग हो सकती है शायद वो आपको दिख जाए। तो रियर कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जिसके साथ आपको f2.2 अपर्चर और उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का कैमरा जो कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा है वो मिल रहा है। अब यहाँ पे जो आपको दोस्तों जो फ्रंट फेसिंग कैमरा वो मिलता है 16 मेगापिक्सल का और वो है f2.0 अपर्चर के साथ। तो ऐसे में दोस्तों फोटोज़ यहाँ पे आपको AI कैपेबिलिटीज़ के साथ मिल जाती हैं और AI कैपेबिलिटीज़ मेरे हिसाब से तो सिर्फ फ़ोटोज़ को ओवर सैचुरेट करता है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अगर आप कोई भी फ़ोटो AI के साथ खींच रहे हो तो उसे खींचने के बाद वहाँ पे AI फीचर के बिना भी आप फोटो सेव कर सकते हो। तो ऐसे में आपको डुअल फोटोज़ यहाँ पे मिल रही है, लेकिन वो फोटोज़ अगर आप Mi A2 से कंपेयर करो तो इतनी अच्छी नहीं खिल के आती हैं। जी हाँ दोस्तों, Mi A2 का जो कैमरा है ऑफकोर्स बेटर है यहाँ पे अगर आप ऑनर प्ले से कंपेयर करो, और 20,000 रुपये में इससे थोड़ा बेटर कैमरा मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन फिर किरण 970 एक्सपेक्ट कर पाता, सोचने की बात है। तो ओवरऑल दोस्तों ये इस डिवाइस के थे प्रोज एंड कॉन्स। जी हाँ, कॉन्स में मुझे सिर्फ कैमरा ही नज़र आया, उसके साथ साथ अगर मैं नीटपिकिंग करने लग जाऊँ तब शायद मुझे कुछ और खामियां यहाँ पर नज़र आ जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कभी भी अगर किसी डिवाइस का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में नज़र डालते हैं तो प्राइस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। और 20,000 रुपये में इस डिवाइस ने आपको दिया है हाई सिलिकन किरण 970 का प्रोसेसर, और उस फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ साथ आपको मिलता है मिड रेंज। जी हाँ दोस्तों, मिड रेंज की जो 4000 टाइप बैटरी होती है, 3750 मिली एम्पेयर की बैटरी और एक क्विक चार्जर अडैप्टर बॉक्स के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, मैं इस डिवाइस को पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। और ऑफकोर्स अगर 20,000 रुपये में आपको एक मल्टीमीडिया फ़ोन चाहिए जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हो, बैटरी के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और कैमरा आप ऑन एन एवरेज काम चला लोगे, तो इस फ़ोन को ख़रीद लो। जी हाँ दोस्तों, एकदम फुल ऑन मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड अगर आप कुछ और क्वेश्चंस इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअली आंसर्स इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जी हाँ, #AskGT को तो मत भूलिएगा, बिकॉज अगले हफ्ते हम अपना AskGT का एपिसोड भी लेके आएंगे, तो उस #hashtag के साथ भी आप इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इसके पीछे जो हमारी मेहनत लगी वो पसंद आई, तो आपको पता ही है क्या करना है। और बस आज की वीडियो के लिए इतने, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।